थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे हम क्या बनाने वाले हैं। हम बनाने वाले हैं LED ड्राइंग बोर्ड। तो हमारे पास सारा सामान मौजूद है इसके लिए। तो मैं बताना चाहूँगा ये क्या है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये है एक्रेलिक प्लास्टिक सीट और इसके ऊपर का हम ये हटा देंगे तो आप देखेंगे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, ये बहुत ही साफ़ है। तो ये प्रोटेक्शन लेयर है इसकी। तो हमने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। आप सोच रहे क्या है, तो ये है एक LED स्ट्रिप। ये दो LED स्ट्रिप है लेकिन मैंने इसे जोड़ कर दो कर दिया है और कुछ नहीं है। मैंने इसे बस USB से जोड़ दिया है ताकि मैं इसे अपने चार्जर, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी से भी जोड़ सकूं। और ये कुछ नहीं है, ये उसका कवर है, ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इनको जोड़ना है। तो चलिए मैं इन्हें जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप ये देखेंगे तो मैंने इधर कोरने में इसे इस तरह से एक एक्स्ट्रा गत्ता लगा दिया ताकि ये शेप मेंटेन रख सके स्क्वायर टाइप का। और यही काम हमें इधर भी करना है। तो देखिए मैं ये काम कैसे करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने स्ट्रिप बनाई है, मतलब ये स्ट्रिप चिपचिपी नहीं है दोनों साइड से, इसलिए मैंने इसे करने के लिए मैंने टेप को रोल कर दिया है यानी मोड़ दिया है। अब इसमें कोई भी चिपचिप नहीं है। तो इससे होगा क्या, क्या ये आराम से रिप्लेस हो पाएगा मतलब। तो इससे मैं करने क्या वाला हूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे ये एकदम सीधा नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ से तो ये काफ़ी कम है, मतलब परफेक्ट है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से मोटा होकर फिर घूम रहे एक राउंड शेप बना रहा है। तो वो राउंड शेप नहीं होना चाहिए, वो एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। तो इसी को ठीक करने के लिए मैं ये स्ट्रिप बना रहा हूँ और इन स्ट्रिप को हमें कस के बांधना पड़ेगा यानी चिपकाना पड़ेगा। तो मैंने तीन तरफ से बना दी हैं और अब दो फिर से यही हो गया, मतलब चार। तो मुझे दो इधर, एक इधर और एक इधर लगाना होगा। तो चलिए लगाते हैं, तब तक मैं वीडियो स्किप करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पूरी स्ट्रिप को कवर कर दिया है और अब ये कहीं से निकलेगा नहीं और ये एकदम स्ट्रिप भी है। तो हमें अब कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पे चिपकाना होगा। ठीक है यार, और हम किसे चिपकाएंगे, जाहिर है इसके लिए एक चीज़ है, वो है ग्लू गन, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसे आराम से निकाल भी सकते हैं और बिना निशान छोड़े। इससे पहले मैं इसे ग्लू गन से चिपका डालूं तो मैंने सोचा है इसके ऊपर एक अच्छा सा वाइनल रैप करा गया है। तो वाइनल रैप मतलब कार्बन फाइबर वाइनल रैप जो मेरे पास है, तो मैं वही इसके ऊपर चढ़ाने वाला हूं। आखिरकार मैंने कार्बन रैप कर दिया है इसे और अब इसे चिपकाना है। हमारा काम यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये पूरी तरह सूख चुका है, इसे और मजबूती मिले तो मैंने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है और फेविक्विक का उपयोग भी करा गया है यहाँ कोने कोने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैसा दिख रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पर हमें एक वाइट पेपर चढ़ाना होगा यानी वाइट कार्डबोर्ड, लेकिन वो एकदम सफ़ेद होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये तैयार है और आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्या क्या करा है। मैंने ज़्यादा कुछ कुछ नहीं करा, मैंने इस पर करा क्या है, देखिए आप जो देख रहे हैं इसमें कोने में इसके एजिस में कई सारी लाइटनिंग है, मतलब इसके एचेस चमक रही हैं कई ज़्यादा। और अगर आप इसे बनाते हैं और ऐसा नहीं होता तो आपको करना बस इतना है कि इसे वाइट पेपर या वाइट कार्डबोर्ड या वाइट प्लास्टिक से कवर कर देना है, मतलब इस पूरे हिस्से को, इस हिस्से को कवर करना है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोने में लाइट आ रही है, हमें करना तो इतना ही है। इस जो मैंने यहाँ पर करा, मैंने यहीं पर ये भी करा है, हमें बस करना क्या है, हमें बस इसे इस तरह मोड़ के रख देना है।
इस तरह मोड़ के। इस तरह मोड़ने से क्या होगा, जो लाइट सीधा आ रही है और इससे टकरा कर वो लाइट फिर वापस जाएगी और ये हिस्सा और भी ब्राइट होगा, मतलब पूरी एजेस और भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। बस आपको ऐसे मोड़ देना है। तो मैंने इस कोने में भी यही करा है, मैंने एकदम सफ़ेद कागज़ या एकदम सफ़ेद कार्डबोर्ड लेकर उसे मोड़ दिया है। यहाँ पर मैंने उसे इतना और इस एरिया में मोड़ दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया जितना है उतने पूरे एरिया में ये चढ़ा हुआ है। और फिर मैंने उसके ऊपर कार्बन फाइबर वाइनल रैप चढ़ा दिया है ताकि बस ये दिखने में अच्छा लगे। और अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो ये एक टांगने वाला है, तो इसे आप दीवार पर टांग सकते हैं और उसके ऊपर एक पिक्चर या फोटोज लगा सकते हैं, एक ड्राइंग भी लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा दिखेगा। यानी इसके दो दो यूज़ इस्तेमाल हो सकते हैं आपके आराम से। सो मैंने अभी तक इसे अपने चार्जर से कनेक्ट कर रखा है, ये चार्जर से भी कनेक्ट हो जाता है। और ये मेरे टेलीस्कोप से भी कनेक्ट हो जाता है, यानी मेरे पावर बैंक से भी कनेक्ट हो जाता है। और यह आपके पीसी से भी कनेक्ट हो जाता है, तो यानी मैं इसे टेबल पे भी इसे लगा कर ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ भी। तो मेरी आने वाले वीडियो में मैं कई कारों को डिज़ाइन करके दिखाऊंगा इसके साथ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।